यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रोफेसर बनने के लिए नेट और पीएचडी जैसी अकादमिक डिग्रियों की जरूरत नहीं होगी। किसी भी क्षेत्र जैसे गायकी, सामाजिक कार्यकर्ता, नृतक, उद्योगों में महारत व्यक्ति अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सीधे प्रोफेसर बन सकेंगे। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनिताबाज। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आखिर अब प्रोफेसर बनने के लिए नेट और पीएचडी जैसी अकादमिक डिग्रियों की जरूरत क्यों नहीं होगी, कौन बन पाएगा इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, प्रोफेसर नियुक्ति में हुए इस बदलाव से देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या परिवर्तन आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें। और साथ में ही आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नियुक्ति का नया नियम क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने पिछले सप्ताह हुई 560वीं बैठक में यह निर्णय लिया है कि प्रोफेसर बनने के लिए नेट और पीएचडी जैसी अकादमिक डिग्रियां जरूरी नहीं होंगी। इस योजना को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अर्थात पेशेवर प्रोफेसर नाम दिया गया है। इस योजना को अगले महीने अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि प्रोफेसर नियुक्ति का नया नियम आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, अब बात करते हैं कि कौन इसमें बन पाएगा प्रोफेसर इस नियम के अनुसार और कौन नहीं बन पाएगा। यूजीसी द्वारा मंजूर इस योजना के ड्राफ्ट में लिखे निर्देशों पर ध्यान दें तो इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, लोक सेवा, सशस्त्र बल आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट इस श्रेणी में नियुक्ति के पात्र होंगे। प्रोफेसर नियुक्ति में हुए इस बदलाव से देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पहलू को भी जानना जरूरी है, इसलिए इस पहलू पर भी बात करते हैं। ये अभी कह पाना मुश्किल होगा कि प्रोफेसर नियुक्ति के नियम में हुए इस बदलाव से देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये तो एक्सपर्ट की राय सामने आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस तरह की योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी जिसमें एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्याय संगत हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसी प्रकार की योजना कुछ वर्ष पहले से भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर लेटरल एंट्री द्वारा भर्ती करके चल रही है, जो कि आईएएस लेवल का पद होता है, जिसके आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग सभी पदों पर एक विशेष जाति यानी कि सवर्ण समाज के उम्मीदवारों का ही बोलबाला है, उन्हीं की नियुक्ति की गई है। कहीं इस प्रकार की योजनाओं का निष्कर्ष सदियों से शोषित पीड़ित समाज का ऐसे महत्वपूर्ण पदों से और दूर करना तो नहीं है। हालांकि अभी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की संख्या मंजूर पदों के 10% से अधिक न होने का नियम बनाया गया है, लेकिन ये अपनी सुविधा अनुसार भविष्य में इन पदों की संख्या को न बढ़ाएं, इससे भी मना नहीं किया जा सकता है। अगर इस प्रकार ये पद बढ़ाकर भर्ती होती हैं, तो इस तरह से इस योजना को आरक्षित उम्मीदवारों के आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कहें तो यह भी गलत नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।